गाइस, अब मैं ईद मुबारक, आज मैं आपको ईद वाले कपड़े दिखाऊंगा। ये डायमंड लगे हैं, डायमंड। ये हमारा पजामा है, ये भी हमारे साथ है, ये मेरे छोटे भाई के हैं, और ये मेरे, ये शायद इसके फ्रेंड के हैं, और ये शमी इसका है। ये शमीज की है, और ये मेरी है। अभी आपको लगा के दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये भी मेरी साइज की है, अभी आपको लगा के दिखाते हैं। ये भी और ये पजामा मेरा है, ये वैसा है, ये है, ये से इसका है, और ऐसे इसको निकालते हैं। तो ये है, अभी से सीधा करेंगे तो पता चलेगा कि ये भी मेरी है। ये तो वैसे ऐसे लग गया, ये पेंट भी मेरी है, ये देखिए एक तो मोटी पेन है। ये बताइए आपको हमारे कपड़े कितने प्यारे लगे। सुबह भी मैंने आपसे बात की थी कि वो ईद वाले कपड़े ले जाएंगे, तो हम वो ईद वाले कपड़े लेके आ गए, लेकिन सारे ले आए, पैसे भी हाथ में। नहीं जुड़ी, ये बड़ा मुश्किल काम है। अभी ये आप लोग नहीं कर सकते, तो मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, इसलिए ही कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो? मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, इसलिए ही मैं इसे करूंगा ही, इंशाल्लाह। तो ये क्या है, ये क्या लेके आए बाबा? ये तो आपने नहीं बताया। ये मेरा गत्ता है, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं, और इधर पता नहीं क्या रख सकते हैं, इधर पेंसिल रख, और ये रेड, ये वाला ब्लू। तो ये सारे कलर हो, लूडो जो इसके साथ खेलते हैं वो तो नहीं हमारे पास है। तो मेरे बाबा ने वादा किया था कि लूडो खेलने वाले वो दाने ले आएंगे, और वो छोटा सा डब्बा भी ले आएंगे, जिसके अंदर ना वो दाने डाल के ऐसे ऐसे हिलाते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी तो शॉपिंग की थी, अगर आपको अच्छी लगी तो फिर कमेंट में जल्दी से बता दे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।